9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. इसरो ने भूमि स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को आज सोमवार को लॉन्च कर दिया। इसरो ने इस सैटेलाइट को विशेष तौर पर आर्मी को और मजबूत करने के साथ साथ नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए डिजाइन किया है। NVS-01 के जरिए भारत का नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा, इसके साथ ही देश की सीमाओं पर भी निगरानी रखने में मदद मिलेगी। बता दें, बीते रविवार से ही सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आज तय समय 10:42 पर इसे लॉन्च कर दिया गया। इसरो ने दूसरी पीढ़ी की नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के लॉन्च की योजना बनाई है, जो नाविक सेवा देगा, जो कि एक तरह का GPS सिस्टम है। यह उपग्रह भारत और मुख्य भूमि के आसपास करीब 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तत्कालिक स्थिति और समय संबंधी जानकारी देगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से आज यानी सोमवार को 51.7 मीटर लंबा यह GSLV अपनी 15वीं उड़ान भरेगा। यह 2232 किलोग्राम वजनी NVS-01 नौवहन उपग्रह को लेकर रवाना होगा। आपको बता दें, 1999 में जब कारगिल युद्ध समय पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों के लिए लोकेशन की जानकारी देने से अमेरिका ने मना कर दिया था, उसी समय से भारत अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गया था। बता दें, नाविक को साल 2006 में अप्रूवल मिला था, पर इसका काम 2018 से शुरू हुआ था।